नमस्कार मित्रांनो नमस्कार मित्रांनो आणि मुलांनो आज आपण इयत्ता आठवीचे दहावा पाठ तुम्हाला आम्ही हवे आहोत का या पाठाचा स्वाध्याय करणार आहोत स्वाध्याय सुरू करण्यापूर्वी आम्ही शब्दार्थपासून शब्दार्थ बगू शब्दार्थ इतने करुड़ा दया आवाहन करणी विनंती करणी उदी तपकीरी, कबरा ठिपठिप क्यांचा, चित्र विचित्र रंगाचा, मार्जार मांजर किनरा आवाज ऊंच व बारीक आवाज सालस स्वभावे नम्र विनयशील हालवून सोड़ने अस्वस्थ कावरे बावरे होने गोधड़न जाले तो तुटून पड़ने जोरा हल्ला करनी प्रश्न है कि पुढ़वाक्या कुर्त्या प्राणिया संदर्भर है त्या जन्म पासून आंधड़ी है ती वो कौन है जो जन्म से अंधी है वो है मांजर सावरीचा कापसा जड़ू मऊ मऊ गोड़ेच कौन है कुतरीची पिल्ले प्रश्न क्रमांक दोन मधे अ आ इ ई हे चार प्रकारचे प्रश्न आहे मांजर विभागात मांजरासाठी असलेला भीत सोयी लेखेचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी मांजराने केलेल्या कृती माणसांसारखी मांजराची दवाखान्यात घेलेली काळजी डोळे न वळलेल्या कुत्र्याच्या पिलाची वैशिष्ट्ये प्रश्न क्रमांक दोन हा पूर्ण करा अ मांजर विभाग गात manzara santhi asliya vilsoi khade padarthasati basi pan yanchi vasi prakriti talle uchal utar dakhavnara takta mau anthrul a lekhike je lakshya bedhun ghenyasathi manjarani kele lakriti jali var nak ghasle nakhani jaliya khalkhale miao miao asawaj karani apa pallya paddhatini lakshya bedhaniya cha prayatna karani e माणसासारखी मांजराने दवाखान्यात घेतलेली काळजी औषध पाणी माणसासारखी पथ्याचं खाणं पिणं ई डोळे न उघडलेल्या कुत्र्याच्या पिलाची वैशिष्ट्ये डोळे न उघडलेली पांढऱ्या रंगाची सावरीच्या कापसाच्या गोण्यासारखी मऊ मऊ छोटे कॅन छोट्या शिपट्या लालसर ओल्या नाकांची पोटातून कुई कुई आवाज येणारी प्रश्न तीन सर्वच प्राणी मणसा प्रेमा बुकले विधान पाठाद्वारे पटवन दया उत्तर है असप्रकार सर्वच प्राणी मणसाचार प्रेमा बुकले अगधी खरा है या पाठात लेखिके आभवे सत्यता पटवणिया सहायक ठरता मांजरा विभाग गर लेखिके लक्ष बेध्या मांजर ने के प्रन म्याव्याव डोळ्यातील आतुरता जाळीवर नाक घासणे यातून लेखिका आपल्याला न्यायाला आली असावी असे त्यांना वाटत असावे लेखिकेने प्रेमाने डोकं खाजवतात गला खाजवतात कान कोरवाळताच मांजराने खुश होऊन गुरुगुर आवाज काढणे हे त्यांना माणसाचे प्रेम हवे असते हे सिद्ध करतात आंधळ्या मांजरीला प्रेमाचा स्पर्श समजतात जवळ येणे प्रेमाने गुरगुरणे या साऱ्यातून सर्वोच्च प्राणी माणसाच्या प्रेमासाठी भूकेलेले असतात हे समजते खेळ खेड़ खेळू या शब्दांशी अ कंशातील शब्दसमूहाच्या वाक्यातील रिकाम्या जागी वापर करून वाक्य पुन्हा लिहा लक्ष वेधून घेणे आवाहन करणे निभाव लागणे अ सुधाकरच्या कबड्डीच्या सामन्यात आपल्या मित्रासमोर काहीच निभाव लागला नाही यहाँ पे जो समूह में दिया गया है उसे चुनकर वाक्य के सामने लिखना है आ चिमुकली मिताली अपने आवाजा ने सगड़िया लक्ष्य वेधुन घेते ई पुलिस ने गांवक मदती साथी आवाहन के लिए प्रश्न है आ दिल्ली शब्दापुढ़े कंचातील विरुद्धार्थी शब्द लिहा इवले शांत खरखरीत विरुद्धार्थी शांत मोठे इवली मऊ मऊ खरखरीत जोड़ शब्द लिहा अचार आ अंथरूण पांधरूण इकड़ून तिकड़ून उ आले गुड़े पुढ़ बगूया विचार करा संगा आम चुनती गरज है आमला तुम्हें गरज है तुम्हारा आम्मी हवो हाँ आत का वाक्यात तुम्हारा प्राणियाबत की संवेदनशीलता तुम्हार सृद्धांत व्यक्त करा लेखिकी ने अनुभव आप, अब आपको यहाँ पे हमको तुम्हारी गरज है तुम्हें चाहिए क्या तुम्हें हम चाहिए क्या हमें हम आए क्या तुम्हारे पास इसका मतलब ये है तो ये ऐसा आपको प्राणियों के संबंध में जो आपकी संवेदना है उसे बताने के लिए अपने शब्दों में लिखना है दूसरा लेखिकी ने अनुभव ले ली इस पितलात प्राणियाची दुनिया तुम शब्दात लिखा लेखिका ने जो भी अस्पताल में अनुभव किया उसे तुम्हें अपने शब्दों में लिखना है लिखते होगा कमल कोशलत अस्ताना एक छोटे कुतरा चिपिलूा दाराशी यौन बचले आए ऐसा अच्छा बड़ी तुम्हें काय करालते लिहा पाउल कोशलत पाउस पाउस कोसड़त है मतलब बारिश हो रही एक छोटा आ, कुत्ते का एक बच्चा आपके घर के सामने बैठा है ऐसे समय में आप क्या करेंगे वो लिखना है अगर मराठी में मराठी हिंदी मिला के आप लिखिए मित्र मैत्री मध्य चर्चा करूँ जय विविधते की गरज या विषया पर आठ से दहा ओली निबंध लिखा मित्र मैत्री से चर्चा करके जैव विविधता की की क्या आवश्यकता है इस विषय पर आठ से दस पंक्तियों की निबंध लिखिए उपक्रम इधे दिलेला है तुम्हार परिसर ज्यादा घरी पालीव प्राणी है तो असा पांच भेटी दया ऐसा आपके घर में जिसके घर में पालतू प्राणी है उसके घर में आप जाइए या घर आती लोग पालू प्राणी कालजी कशी के लोग पालतू प्राणियों का किस प्रकार से ध्यान रखते हैं या खालीन मुद्दावर आधारित माहिती मिलवा और संगा नीचे कुछ मुद्दे दिए गए हैं उस मुद्दों को आधार पर आप उसको तैयार करिए पाँच प्राणियों का माझा आवड़ता प्राणी प्राणियाचिन नाम व वर्णन किया उस प्राणी का नाम क्या है र... खाद्य रहने के ठिकान उसके खाने और रहने का क्या स्थान है औरता प्राणी उसका उपयोग क्या है उसको आवड़ियाँचे क्या कारण है आपको क्यों वो प्राणी पसंद है क्या विषयी चीज संवेदनशीलता उसके विषय में क्या संबंधित संवेदनशीलता है उसको लिखना है विद्यार्थी मित्रों सूचना फलक यहाँ दिया है कहीं भी हम सूचना लिखते हैं किसी फलक पर किसी भी विषय पर सूचना लिखता है तो किस प्रकार से सूचना फलक तैयार करना चाहिए उसकी कुछ जानकारी यहाँ दी गई है एक आद्या गोष्ठी माइति दूसरी या परन्त मतलब कोई भी जानकारी दूसरों के पास पहुँचाने के लिए हमें सूचना एक माध्यम होता है दैनंदिन व्यवहारात अनेक ठिकाणी आपल आला सूचना दिया हुवा लगता है तो तीन के व्यवहार में हमें एक दूसरे को सूचना देने की आवश्यकता पड़ती है दूसरे यानी दिलीला सूचना वाचून या अर्थ समझून घ्याचा असतो अपेक्षित कृति तरह ने होनेस दिल्ली सूचना से आंकलन होने कौशल्य निर्माण वाला हवे यापूर्वी तुम्हें सूचना फलक या घटका अभ्यास के है। या तुम्हें स्वतः सूचना फलक तैयार कराएगा शिकार आहत इसमें आपको स्वयं सूचना फलक तैयार करना है ये सीखना है सूचना फलक चे विषय पहला है शालेतील छुट्टी संदर्भत सूचना स्कूल में स्कूल में छुट्टी के संबंध में सूचना दूसरा सहली संदर्भात सूचना आपके पिकनिक के संदर्भ में सूचना रहदारी संबंधी सूचना दैनिंदिन व्यवहार सूचना व्यवहार सूचना सूचना तैयार करताना लक्ष्य घयाच्य गोष्टी सूचना तैयार करते समय की बात का ध्यान रखना चाहिए सूचना कमी कमी शब्दांत असावी सूचने ने लेखन स्पष्ट शब्दांत नेमके व विषयानुसार अवे सूचने शब्द सर्वाना अर्थ समझणियाँ सोपे असावेत सूचने लेखन अशुद्ध असावे शुद्ध असावे अशुद्ध नहीं शुद्ध होना चाहिए ये जो आप लेखन करते हैं सूचना का वो शुद्ध होना चाहिए सूचना फड़क तैयार करा त्या चा साठी खाली नमूनाकृति चा अभ्यास करा यहाँ पर एक सूचना दी गई है इस इसी की तरह से आपको एक सूचना फड़क तैयार करना है नमूना कृति एक उदया शहरा तील पानी पुरौठा बंद राहिल कल शहर में पानी नहीं बा, नहीं बाँटा जाएगा नहीं भेजा जाएगा पानी पुरौठा बंद राहल या विषयावर नमूना कृति एक दिल है दिसंबर दिनांक आठ नवंबर जल जलपुरवठा विभाग पीपुरठा बंद जल जलपुर विभाग विद्याविहार पुणे तर्फे येते कि विद्याविहार या भागातील जलवाहि महत्वाचार दुरुस्तीच्या कामासाठी सा नोव्हेंबर रोजी पाणी पानीपुरवठा दिवसभर बंद राहील याची नागरिकांनी नोंद घ्यावी आणि सूचना क्रमांक दोन इधे दिलेले आहे याचा विषय आहे कणखर गिरोहण संस्थेतर्फे कॅम्पचे आयोजन नमुनाकृति दौन सूचना फलक इथे दिलेला आहे सूचना सूचनापुले कशा प्रकार लेनांक दिनांक पंद्रह एप्रिल कणखर गिरोहण संस्था अमरावती अमरावतीतर्फे उल उन्नहालिया श्रुतीट गिरोहणा कैम्प आयोजित के संपूर्ण मई माइी चौदह एप्रिल वित्तपत्र आन अधिक विस्तृत म महती डब्लू डब्लू डब्ल्यू डॉट कणखर डॉट कॉम या संकेतस्थला उपलब्ध है इच्छुक अपनी नवनोंद तीस एप्रिल परावी प्रश्न बगू तुम्हार शाड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन कर आए है हा कार्यक्रम पढ़ा सा पालकान आवाहन करना सूचना फलक तैयार करा आपके स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला है आयोजन करना है यह कार्यक्रम देखने के लिए पालकों का आवाहन करने के लिए एक सूचना फलक आप तैयार करिए भाषा संदर्भ्य भाषा सौंदर्य खालील मणिपूर्ण करा मूर्ति लहानपण कीर्ति महान सीता वरुण भाताची परीक्षा सुंठी वाचू खोखला गेला रात्र थोड़ी सोंगे सोंगेफार उथड़ आला खड़खड़ात फार दो दोगे भांडर तिशाच लाभ झाकड़ी मूठ सवाखा घरो घरी मत्याचा चुली को द्राक्षे आंबट अंधरुण पाहुन पे पसरावे इकड़े आड़ तिक विहीर का खेत कला का खेत कला गावाला वड़सा हे आमचे वीडियो इथे पूर्ण हो तो धन्यवाद